hello viewers this is Sabiya Shad I hope you all are fine at home students today I will teach you the subject GK but before starting the explanation I request you please like share and subscribe my video and don't forget the and don't forget to press the bell icon so students without wasting the time let's start our video students, I explained the first chapter of your first unit now in my previous video. Today, I will explain you the exercise of this chapter. So, let's start the exercise of this chapter. So, see the questions of your chapter. The first question is. Answer the following questions. The first question is, what is the only animal to grow antlers, antler that you are that are branched and shed every years Students, antlers means singe, singe. वो कौन सा ऐसा जानवर है जो singe, जिसमें singe उगती हैं और वो branched होती हैं मतलब उसमें शाखाएं होती हैं और हर साल ये झड़ जाती हैं या वो गिरा देता है बच्चों वो कौन सा जानवर है जिसकी सींगे होती हैं बड़ी बड़ी और वो जैसे हम प्लांट्स में देखते हैं शाखाएं होती हैं ब्रांचिंग होती है ब्रांच होते हैं ऐसे ही ब्रांच उनके एंटलर्स में होते हैं सींगों में होते हैं और हर साल ये अपनी इसको गिरा देते हैं या गिर जाते हैं तो बच्चों वो कौन सा जानवर है वो जानवर है डियर डियर मींस हिरन कौन सा जानवर है जिसकी सींगे होती हैं कैसी सींगे ब्रांच होती हैं मतलब उसमें शाखाएं होती हैं और हर साल ये झड़ जाती हैं क्या होती हैं गिर जाती हैं या झड़ जाती हैं तो बच्चों जैसे पत्तियां झड़ती हैं वैसे ही इनकी सींगे भी झड़ जाती हैं तो बच्चों वो कौन सा जानवर है डियर डियर क्वेश्चन नाउ सी एनिमल्स कम्स टू लैंड टू ले एक्स कौन सा समुद्री जानवर है जो जमीन पर अंडे देने के लिए आता है मतलब कौन सा ऐसा समुद्री जानवर है जो अंडे देने के लिए का बाहर आता है जमीन पर अंडे देने के लिए जमीन पर बाहर आता है कौन सा समुद्री जानवर है जो रहता है तो समुद्र में है लेकिन जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो जमीन पर आ जाता है और वो अंडे देता है वो कौन सा जानवर है टर्टिल कौन सा जानवर है टर्टिल यानी कछुआ कौन सा जानवर है कछुआ ना सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन विच एनिमल इज इन बिकॉज ऑफ इट्स टस्क स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा जानवर है जो खतरे में है डेंजर में है क्योंकि अपनी जो दांत होती है उसकी एवरी टस एवरी कलर का जो उसका दांत होता है वो उसके कारण क्योंकि बच्चों जो इनके दांत होते हैं बहुत प्रीशियस होते हैं इनकी तस्करी होती है क्योंकि बहुत ही कीमती होते हैं इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं ऑर्नामेंट्स बनते हैं इनकी आ, इनकी ज्वेलरी वगैरह बनती हैं तो बच्चों वो कौन सा ऐसा जानवर है जो इन है, मतलब खतरे में है बच्चों वो जानवर है आपका हाथी एलिफेंट है जो खतरे में किसी कारण है अपने आइवरी टेस्ट के कारण तो बच्चों वो जानवर है एलिफेंट नाउ सी क्वेश्चन दिस इज द फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल दुनिया का सबसे विशालतम जानवर दुनिया का सबसे विशाल जानवर कौन सा है ब्लू वेल कौन सा है ब्लू वेल क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच बर्ड फाउंड इन अंटार्क्टिका कैन स्विम बट नॉट फ्लाई कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अंटार्क्टिका में पाई जाती है जो तैर तो सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती कैन स्विम बट नॉट फ्लाई मतलब तैर तो सकती है पानी में लेकिन आसमान में उड़ नहीं सकती तो वो कौन सी चिड़िया है पैंगवीन इज द नेम ऑफ द बर्ड विच इज फाउंड इन एंटार्टिका एंड कैन स्विम बट नॉट फ्लाई द बर्ड द क्वेश्चन नंबर सिक्स विच लॉन्ग हेयर ऑक्स लाइक एनिमल फाउंड इन द माउंटेन्स फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ तिब्बत कहा पाया जाता है ये जानवर तिब्बत के पहाड़ों पर पाया जाता है और ये कैसा होता है ऑक्स की तरह होता है लंबे लंबे बालों वाला ऑक्स की तरह होता है और इसके किस किस चीज का स्रोत है इससे क्या होता है इससे क्या मिलता है इसे ये मिल्क देता है और कपड़े ये किस चीज का स्रोत है दिस इज सोर्स ऑफ मिल्क एंड क्लॉथिंग द नेम ऑफ दैट एनिमल इज यॉक कौन सा जानवर है ये योक है दिस इज लॉन्ग हेयर्ड एनिमल -like किसकी तरह है लंबे वाला और किसकी तरह दिखता है, की तरह दिखता है? पाया जाता है तिब्बत में पाया जाता है तिब्बत के पहाड़ों में आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यॉक सो स्टूडेंट्स दैप्टर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दर्स्ट यूनिट इज कम्पलीटेड हेयर नाउ In my uh, uh, next video, uh, I will explain you the next chapter of this unit. So, till then, stay home, stay safe. Thank you.